प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज मैं आप सभी लोगों को एक विषय को बताना चाहता हूँ। वो विषय यह है कि दुनिया, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, उस दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज है, यानी कि लगभग 200 देश हमारा इस धरती पे है। सो इस सारा दुनिया जो है एक भयानक रीति से बहुत ही विभिन्न प्रकार के पापों में क्या कर रहे हैं, अपना लाइफ को बिता रहे हैं। यानी कि हर देश जो है आज एक विभिन्न रीति का एक खतरे में और एक बहुत ही भयानक रीति से अपना लाइफ को क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। प्रियो, कारण क्या हो सकता है? हर देश के अंदर एक एक समस्या है, हर देश के अंदर एक एक पाप है, हर देश के लोगों का जीवन एक ऐसे जीवन बिता रहे हैं जो अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर संसार में पाप के मार्ग में जिंदगी बिताकर आज कई सारे लोग शैतान के हवाले में क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। कारण क्या हो सकता है? कारण सिंपल सी बात है, कारण यही है कि हमारे जो इस संसार में जो सारे मनुष्यों के सामने एक बुद्धिमान कहला जाता है, यानी कि उसको उन्हें हम लोग विज्ञानियों के नाम से पहचाना जाते हैं, तो इन सारे विज्ञानियों ने ये हमें हमारे बीच में बता दिया है कि मनुष्यों के सामने है कि मनुष्य का जो जन्म है, मनुष्य का जो शुरुआत है, वो बंदर से है, यानी कि बंदर से मानव, बंदर के द्वारा, बंदर के बाद मनुष्यों ने क्या हो गया, बंदर से मनुष्य बन गया है। इस बात को बताकर मनुष्यों का जो वैल्यू है, जो मनुष्यों का जो कीमत है, वो बहुत चीफ बना दिए हैं। क्या आप मुझे ये बताइएगा, अगर सच में बंदर से अगर मानव हो जाते हैं तो आज के बंदर क्यों नहीं मानव हो रहे हैं, है ना? तो हम लोग नॉर्मल से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रियो, हर एक एक मनुष्य के जीवन में आज अगर इस विभिन्न प्रकार के एक बहुत भयानक पापों में अगर जिंदगी बिता रहे हैं, कारण वही है, मनुष्यों ने मनुष्यों के पास कभी भी, जो मनुष्य का शुरुआत है, जो मनुष्य का जन्म है, जो मनुष्य को बनाया गया है, उस परमेश्वर को मनुष्य के सामने ना बताने के कारण ही मनुष्य आज उस परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को भूल के अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, एक बहुत भयानक पापों में अपने जीवन को बिता रहे हैं। मैं आप वही चीज आपके सामने बताना चाहता हूं। आज मनुष्यों ने परमेश्वर की बात को नहीं बता पाया, मनुष्यों ने परमेश्वर के उस ज्ञान को, परमेश्वर के उस बातों को मनुष्यों के सामने नहीं बता पाया, मनुष्यों ने परमेश्वर की बात को छिपा दिए। शैतान ने मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर की बात को छिपा दिया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है पता है? आप मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, प्रेरितों को कामों के वर्णन, उसका 17वां अध्याय, उसका 26वां वचन। वहां पर ऐसे लिखा है कि उसने, यानी कि परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया है। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्यों को, यानी कि सभी मनुष्यों का जो शुरुआत को परमेश्वर ने बता रहे कि सारे मनुष्यों का शुरुआत वो परमेश्वर ने एक मूल से क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। वो मूल कौन है? वो आदम है, यानी कि पहली मानव पुरुष और स्त्री, उस पुरुष के द्वारा, यानी कि आदम के द्वारा सभी मनुष्यों का शुरुआत है। और ये सारे मनुष्यों के बीच में कुछ जातियां हैं, बाइबल बता रहे हैं कि सारे जाति के लोगों को एक ही मूल से परमेश्वर ने पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया। बंदर से नहीं है मनुष्यों ने, बंदर से मानव नहीं, मनुष्यों ने एक मूल से आया है। वो मूल कौन है? परमेश्वर ने आदि में एक मनुष्य को बनाया, उसका नाम है आदम। आदम के द्वारा सारे जातीय संसार में पैदा हो गए हैं। जाति बोलते ही मनुष्य को वो याद आता है कि मेरा जात बड़ा है ना, यानी कि संसार में कई सारे जात है, आपको खुद पता है, कई सारे धर्म को मनुष्यों ने बना लिए, कई सारे जात को मनुष्यों ने बना लिए है। उस जाति के ऊपर नजर चला जाता है मनुष्यों का, वो जाति के बारे में परमेश्वर ने नहीं बता रहे मनुष्यों, परमेश्वर ने उस जाति के बारे में बता रहे हैं जो तीन जातीय इस धरती पे है, एक मनुष्य जाति यानी कि पुरुष और एक स्त्री और एक नपुंसक, ये तीन जाति के बारे में परमेश्वर ने बता रहे। प्रियो, मनुष्य का शुरुआत परमेश्वर है। अगर पहले से ही, शुरू से ही अगर सभी मनुष्यों को परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर के बातों को बताया रहता, तो मनुष्य ने आज परमेश्वर को छोड़ के जिंदगी बिताने का बात ही नहीं लेते थे। आज अगर परमेश्वर को छोड़कर जिंदगी बिता रहे हैं, आज अगर संसार के पापों में जिंदगी बिता रहे हैं, कारण यही है कि हर एक एक मनुष्य को शैतान ने अपने हाथों में क्या कर लिया, अपने मुट्ठी में रखकर परमेश्वर से दूर कर चुका है। मैं कुछ चीजों को अभी आपके सामने बताना चाहता हूं जो आज
परमेश्वर नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा चीज इस संसार में कई सारे देश जो है एक भयानक प्रवाह के रूप में, एक बहुत भयानक प्रवाह में क्या कर दिया है, हर एक एक देश क्या कर जिंदगी बिता रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कई सारे दुनिया में कई सारे देशों के अंदर कुछ लोग जातिवाद के लोग पैदा हो गए हैं। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि मेरा जात बड़ा है, उसका जात बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म बड़ा है, मेरा जाति सबसे पहला है, तुम्हारा जात बहुत छोटा है, तुम्हारे जात के लोग नीचे बैठना चाहिए, हमारे जात के लोग ऊपर बैठना चाहिए। यानी कि दुनिया में कई सारे देशों में कुछ जातिवाद पैदा हो गया, जातिवाद के लोग पैदा हो तैयार हो चुके हैं। उनको परमेश्वर के बातों के मतलब नहीं, परमेश्वर के धर्म के मतलब नहीं, परमेश्वर की उस सच्चाई के मतलब नहीं, केवल जात जात जात, जाति से कुछ नहीं। मनुष्य को अपने जीवन में सच्चा परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा, सच्चे परमेश्वर के रास्ता में जीना पड़ेगा। देखिएगा कितने लोगों को शैतान ने जातिवाद के अंदर क्या कर दिया, फंसा लिया है। कुछ लोग जाति के पीछे रहेंगे, परमेश्वर से मतलब नहीं उनको, केवल जाति से मतलब है। कौन सा जाति में पैदा हुए तो क्या फायदा है। हर जात के यानी कि इस संसार में केवल तीन जाते, एक पुरुष और स्त्री, एक नपुंसक है। मनुष्य ने बनाए हुए जाति के पीछे बहुत सारे लोग लगकर मनुष्य को क्या करें, आज एक बहुत क्या बोल रहे हैं उसको, बहुत विभिन्न रीति के, बहुत अपोजिशन में होकर आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम के बिना क्या कर रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये कई सारे देशों में है, जातिवाद का समस्या है। और दूसरी चीज जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, मनुष्य के जीवन में नहीं चाहते हैं, वो चीज क्या है, वो चीज यह है, अगर आप लोग सारे दुनिया के अंदर आज अगर एक क्या बोलते हैं, एक बहुत ही अमीर देश कहला जाता है, सारे देशों में एक बहुत बड़ा देश कहला जाता है, बहुत पैसे रहने वाला देश कहला जाता है, और उस देश एक ईसाई लोगों का एक देश होता है, यानी कि मसीह लोगों का देश है, वो देश कौन सा है, यूएसए यानी कि अमेरिका। उस अमेरिका देश परमेश्वर के लोग वहां पर ज्यादा हैं, परमेश्वर के बाइबल पढ़ने वाले ज्यादा लोग हैं, यीशु मसीह की आराधना करने वाले ज्यादा लोग हैं, फिर भी वहां पर किस प्रकार का समस्या है पता आप लोगों को। अमेरिका जो बहुत एक विशाल देश है, एक बहुत ही खूबसूरत देश है, उस देशों में जो अमेरिका बोलते हैं सबके नजर में आते हैं कि हाँ वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो सबके नजर में ये आता है। लेकिन वहां पर क्या समस्या पता है, जिस मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, फूलो और फलो धरती पे, आप फैल जाओ धरती पे, बढ़ जाओ, जिस परमेश्वर ने बताया, उस परमेश्वर का परमेश्वर ने बनाए हुए बच्चों का हत्या करने का एक भ्रूण हत्या, यानी कि लीगली परमिशन वहां पर उनके पास है। कई सारे जवान लोग आपस में क्या करते हैं, बिना शादी के पहले, मां बाप के बिना बता हुए, समाज के बिना बता हुए, एक गुप्त जागो में अपने शारीरिक संबंध को बनाते हैं, उसके द्वारा पैदा होने वाले बच्चों को भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में रहने वाले बच्चों को क्या कर रहे हैं, आज खून कर रहे हैं। और इस खून करने के लिए उस देश के जो सरकार है, उस देश का जो कानून है, उसको परमिशन देता है, लीगली परमिशन दे रहे हैं कि आप उसको निकाल सकते हो। देखिएगा एक बड़ी अमीर देश जो परमेश्वर का देश कहलाने वाले जगह में परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाए हुए उस बच्चों को भ्रूण हत्या करने का एक मौका वहां पर है। परमेश्वर का डर कहां है, परमेश्वर के बात कहां है, परमेश्वर का एक मार्गों में कहां है। मनुष्य का वैल्यू नहीं पता होने के कारण मनुष्य ने गर्भ के अंदर ही बच्चों को क्या कर रहे हैं, आज नाश कर रहे हैं, बच्चों को आज एक उसको मर्डर कर रहे हैं। उस देश का हालत होगा ऐसे होगा तो कुछ देशों में ऐसे लोग हैं, मैं कुछ नाम आपको बताना चाहता हूं, कुछ देश से ऐसे लोग निकल गए, उसमें से हो गए एक सद्दाम हुसैन, एक बिन लैडन, कई सारे जो लोग, देखिएगा आप लोग, कई सारे लोग जो है अपने द्वारा किसी और को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितने भारत देश में ऐसा समस्या हो गया, दूसरे देश में ऐसे समस्या हो गया, श्रीलंका में ऐसे समस्या हो गया, दूसरे देश के लोग एक उग्रवादी बनकर, एक टेररिस्ट बनकर, इतने एक दिल में थोड़ा सा भी डर नहीं, दिल में थोड़ा सा भी भय नहीं, भक्ति नहीं, दिल में थोड़ा सा भी कलीजा यानी कि उनके उनके हृदय में थोड़ा सा भी प्यार नहीं है कि कई सारे देश के कई सारे लोगों के बीच में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, खुद मर जाते हैं। देखिए किस प्रकार के जवानों को, किस प्रकार के लोगों को शैतान ने अपने हाथों में फंसा लिया कि उनके द्वारा किसी और को भी क्या कर रहे हैं, समस्या को लेकर आ रहे हैं। यानी कि कई सारे देशों में उग्रवादी लोग तैयार हो रहे हैं, टेररिज्म तैयार हो रहा है,
एक देश में गर्भ के अंदर ही भ्रूण हत्या का कानून निकल रहा है, और कुछ देशों में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सरकार उनके देश में रहने के बावजूद भी टेररिज्म क्या हो रहा है उनके देशों में शुरू हो रहा है। कितने लोगों को आप देखे होंगे, कितने हजारों लाखों लोगों को, कई सर वीडियोस मेरे पास आया, कितने लोगों को गला काट के मारा गया, कितने लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट करके मारा गया। ये सारा चीज क्यों है? कुछ देशों ने यह तय कर जिंदगी बिता रहे हैं कि हमारे देश, हमारी जिंदगी थोड़ा सा है, कुछ तो करके जाना चाहिए, किसी और को नाश करने में लगे हुए हैं। मतलब कोई एक या दो देश के लोग ही ना वैसे उस रीति से तैयार हो रहे हैं। और कुछ लोगों का समस्या यह क्या है पता है? कुछ देशों का समस्या देखिएगा, कुछ देश परमेश्वर ने देने वाले उस गर्भफल को बचपन से ही उसको नाश कर रहे हैं। कुछ देश के ऐसे लोग हैं अपने लाइफ में बढ़ने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर को छोड़कर टेररिज्म में लगा दिए हैं। कुछ देशों के लोग और कुछ देश ऐसे तैयार हो गया है, इस भयानक रीति से तैयार हो गया है। देखिएगा, हमारे सामने आज हम लोग फेस कर रहे चीना देश, वो चीना देश के कई सारे जो एप्स है, हम नॉर्मल से हम लोग सोचते हैं कि वो तो ऐप्स है ना, उसमें से टिकटॉक है ना, चीना देश में टिकटॉक है, और बिगो लाइव है, हलो है, वीमेट है, कितने एक ऐप्स है। ये ऐप्स जैसे रिलीज हो गया, चीना देश से रिलीज हो गया, यानी कि उस देश के लोग बहुत बुद्धि से, बहुत ज्ञानी से, ज्ञानता से कई सारे ऐप्स को ओपन कर दिए, कई सारे ऐप्स को क्रिएट कर दिए। उस एप्स के द्वारा आपको पता नहीं है कितने जवान लोग उसके अंदर फंस गए हैं, सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं, और उस टिकटॉक में अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, अपने बुद्धि को दिखाने के लिए कितने लोग जान को खोल चुके हैं, कितने लोग अपने जीवन में समय को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ दिए हैं, टिकटॉक के पीछे लगे हुए हैं, उसमें मैं वीडियो बनाना चाहिए, वीमेट में मैं वीडियो बनाना चाहिए, विगोलाइव में वीडियो बनाना चाहिए, कई सारे ऐसे ऐप्स है उसमें केवल एंटरटेनमेंट का वीडियोस डाला जाता है। यानी कि कितने भी देश के जो जवान लोग हैं, हर देश के 50 से लेकर 70% जो लोग हैं, खास करके जवान लोग, उस टिकटॉक, वीगो और विगोलाइव, वीमेट, इसी में लगे हुए हैं कि उसमें मैं क्या करना है, वीडियो बनाना चाहिए, मैं उसमें डालना चाहिए, मेरा खूबसूरत दिखाना चाहिए, मेरा टैलेंट दिखाना चाहिए। प्रियो, चीना देश एक ऐप को ओपन कर दिया, लेकिन उस एक ऐप के द्वारा कितने पाप का एक जिंदगी उस अंदर क्या कर रहे हैं, मनुष्यों ने उसके अंदर जाकर पाप की जिंदगी बिता रहे हैं। परमेश्वर को आप समय दे रहे हैं? कितने लोग टिकटॉक के सामने बैठने वाले लोग, परमेश्वर की कितने आप मौका दे रहे हैं जो टिकटॉक को देते हैं आप लोग? कितने लोग ऐसे हैं कि जो चीना देश के द्वारा इतने ऐप्स आ गए जो एंटरटेनमेंट्स वीडियो बनाने के लिए, उसमें कितना देर आप लोग बैठते हैं, कितना देर परमेश्वर के साथ बैठते हैं? यानी कि तुम्हारे टैलेंट्स को और तुम्हारे टाइम को और तुम्हारे बुद्धि को और तुम्हारे सारे प्रयास को वो देश क्या कर रहे हैं, वो उस ऐप के द्वारा तुम्हें नाश करके डाल रहा है। देखिएगा, हर देश के एक एक समस्या बता रहा हूं मैं। कई सारे देशों में जातिवाद समस्या हो गया है, और कुछ देशों में बच्चे जो जिस परमेश्वर ने बहुत ही सूक्ष्म से, भयानक से, विभिन्न रीति से मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने मां के गर्भ में जो बनाते हैं, स्त्री के गर्भ में जो परमेश्वर ने बनाते हैं, उस खोक को गर्भपात करवा रहे, यानी कि गर्भ में ही उस बच्चे को मार डाल रहे कुछ लोग, लीगली उसको सरकार परमिशन दे रहे हैं। और कुछ देश के लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे देश के लोगों को मारने के लिए एक टेररिज्म स्टार्ट हो गए हैं। और कुछ देश जैसे चीना देश के जैसे कितने ऐप्स ओपन कर दिया है, उस ऐप्स के द्वारा कई सारे लोग उसके अंदर क्या, उसके जाल के अंदर फंस कर अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। प्रियो, इतना नहीं है, मैं जब गूगल में जाकर कुछ देश के बारे में मैं देख रहा था, मैं जस्ट ऐसे ही मैं पढ़ाई कर रहा था, उसमें से एक देश मैंने देख लिया, उस देश के बारे में सुनकर बहुत दर्द महसूस किया मैंने। आप उस देश के बारे में आप जाके पढ़िएगा, नीदरलैंड, उस देश हमारा धरती पे एक देश है, 200 देशों में वो भी एक देश है। उस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा व्यभिचार करने वाला देश है, और उस देश के कानून लोगों को लीगली परमिशन दे रहे हैं, आप अपने घरों में व्यभिचार करवा सकते हो, आप व्यभिचार का एक सेंटर ओपन कर सकते हो। यानी कि वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, नीदरलैंड में एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, जैसे हम लोग सब्जी मार्केट में जाकर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, अगल बगल में हर जगह में सब्जी, फलों का लोग रहते हैं, सब्जी दिखता है,
है ना, मार्केट में किराना स्टोर दिखता है, राशन का दुकान दिखाई देता है। अगर उस देश के एक डिस्ट्रिक्ट में जाके अगर आप लोग देखेंगे, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, अगर उस देश में जैसे आप लोग एंट्री करेंगे, उस देश में हर जगह में व्यभिचार करने वाले दुकानें रहते हैं ओपन। वहां पर जैसे हम लोग रास्ते में जाएंगे तो होटल्स रहता है, हाँ ऐसे होटल्स है, होटल का नाम रखा जाता है, वैसे वहां पर रास्ता में कोना कोना में, रास्ता एक तरफ से लेकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में केवल वही दुकानें भरा हुआ है जो जहां पर आप लोग व्यभिचार कर सकते हो। लेकिन देखिएगा, उस व्यभिचार करने के लिए वहां का सरकार लीगली उनको परमिशन दे रहा है कि उनको सर्टिफिकेट, उनको लाइसेंस दे रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हो, व्यभिचार कर सकते हो। प्रियो, कितने लोग उस व्यभिचार की जिंदगी में बिता रहे हैं, अपने शरीर को व्यभिचार के लिए समर्पित, व्यभिचार के लिए समर्पित कर दिए। जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने महिमा के लिए बनाया, अपने काम के लिए बनाया, अपने जरूरतों के लिए बनाया, उस जरूरत को मनुष्य ने आज व्यभिचार में लगा दिए हैं। इतना नहीं, केवल नीदरलैंड नहीं, मैंने कई सारे देशों का लिस्ट मैंने देखा वहां पर, उसमें से एक न्यूजीलैंड है, उसमें से एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, और बंगला है, और बेल्जियम है, उसमें एक ब्राजील है, और कनाडा है, कोलंबिया और डेनमार्क, फ्रांस, ये सारे देशों में उनके देश के जो कानून है लीगली एडवाइस, लीगली परमिशन दे रहे, लाइसेंस दे रहे कि आप ये विचार कर सकते हो। कोई पुलिस नहीं पकड़ेगा, कोई लोग नहीं बोलेंगे। अगर माँ बाप बोलेंगे बेटी आप ऐसे मत करो, बेटी लाइसेंस पकड़ के खड़ा हो जाएगी, मुझे सरकार ने, मेरा कानून क्या कर दिया, मुझे परमिशन दिया है, आप कौन होते बताने के लिए। यानी कि परमेश्वर ने बनाए हुए इस मनुष्य को शैतान कितनी भयानक रीति से क्या कर दे, बदल दिया, देखिएगा। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया, हर देश एक भयानक रीति से, एक बहुत भयानक प्रवाह में क्या हो गया है, जिंदगी गुजर रहे हैं। उस देशों में आप तैयार होना है, आप जागृत होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार की जिंदगी इस संसार में बिताना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इतने नहीं, मैं आखिर में एक बात बताना चाहता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए सब करता हूं, मैं थोड़ा सा मन खुशी के लिए मैं करना चाहता हूं, उसमें से एक है। आज हर देश के 50% लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज में फंसे हुए हैं। वो चीज क्या पता है, पबजी। प्रियो, पबजी वो भी एक चीना देश का एक व्यक्ति ने उसको क्या कर दिया, आविष्कार कर दिया। 2017 में जब पबजी गेम निकल गया, उस समय से लेकर आज तक बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया गेम। हर घर में एक से लेकर दो लोग पबजी गेम खेलने वाले मिलते हैं, हर घर में पबजी गेम खेलने वाले मिलते हैं। मैंने जब उसके बारे में रिसर्च किया, भारत देश में लगभग 20 करोड़ लोग जवान लोग क्या कर रहे हैं, पबजी गेम में अपने जीवन को बिता रहे हैं। 20 करोड़ लोग रोज 20 करोड़ लोग उस पबजी गेम में एक्टिव रहते हैं। भारत देश में 20 करोड़ लोग पबजी गेम में एक्टिव, यानी कि पबजी गेम खेलते ही रहते लगातार 20 करोड़ लोग भारत देश में डेली, नो रुकावट, को थोड़ा सा भी रुकावट नहीं, 24 आवर्स खेलने वाले 20 करोड़ लोग हैं। अब सोच लीजिएगा, 20 करोड़ लोग भारत देश में होंगे तो सारे बाकी देशों में से अगर टोटल करेंगे तो सारे बाकी देश में 20 करोड़ लोग मिलते हैं। यानी कि इसमें एक्टिविटी, इसमें एक्टिव रहते हैं वो लोग, 24 आवर्स एक्टिव है, वो गेम बंद नहीं होता है। ऐसे लोग कितना है, 20 करोड़ लोग केवल भारत देश में, और बाकी देशों में टोटल मिलाकर 20 करोड़ लोग। यानी कि हमारा भारत देश के हिसाब कितना है, 200 देशों के बीच में हमारा देश एक है, और केवल हमारा भारत देश में 20 करोड़ लोग डेली, 20 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, उस गेम में एक्टिवेट हो रहे हैं, उस गेम में एक्टिव रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, थोड़ा सा भी उनका गेम बंद नहीं होता है, थोड़ा सा भी उनका फोन बंद नहीं होता है। प्रिय, इस गेम को चाइना का एक व्यक्ति ग्रीन, उसका नाम था ब्रेंडन ग्रीन, यानी कि इस व्यक्ति ने जापान का एक 2000 एक मूवी को देखा था, 2000 उस मूवी का नाम पता नहीं, मूवी का नाम की या 2000 वर्ष का नाम पता नहीं, लेकिन 2000 का जो मूवी देखा था, उस मूवी को देखकर इंस्पायर होकर इस ब्रैंडन ग्रीन ने उस गेम को आविष्कार किया। वो खुद इंस्पायर होकर एक व्यक्ति ने एक गेम को तैयार किया। आज वो एक व्यक्ति के बुद्धि के द्वारा शैतान ने आज डेली 40 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, उस गेम के अंदर एक्टिव हो रहे हैं। यानी कि इनसे अलावा कितने करोड़ों लोग हैं। प्रियो, एक गेम में केवल इतने लोग फंसे हुए हैं, एक गेम में इतने लोग एक्टिविटी हो गए हैं,
एक गेम में इतने लोग एक्टिव रहते हैं 24 आवर्स। इसमें से अधिकतर जवान लोग है, इसमें से 95% जवान लोग है। आप अपने जीवन को बहुत गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। कुछ लोग जातिवाद के पीछे हैं, कुछ लोग गलत काम करके उसको अबॉर्शन करने में है, कुछ लोग गलत काम करते हुए अपने जीवन में जो हम लोग सोच रहे कि मैं बहुत बड़ा बुद्धि का काम कर दिया, जैसे मैं कई सारे ऐप्स को मैं बताया, वो संसार में आप जवानों को क्या करें गलत काम में फंसा रहे हैं। और चौथी चीज, कई सारे लोग अपने शरीर को व्यभिचार करने में लगा दिए हैं। और पांचवी चीज, कई सारे लोग आज पबजी के अंदर बैठ गए हैं। जैसे एक व्यक्ति दारू पीता है, उस दारू का नशा उसके जीवन में रहता है, वो सुबह दोपहर रात उसको 24 घंटा दारू पीना है, वो आदत हो चुका है, उससे वो बाहर नहीं आना चाहता है, उसको आने के लिए बहुत मुश्किल है। कितने लोग दारू नहीं मिलाया करके मर रहे आजकल। जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के समय में कई सारे लोगों को दारू नहीं मिला पीने के लिए, वो भी बंद हुआ था दुकान, इसलिए दारू नहीं मिलने के कारण कितने लोग मर चुके हैं। यानी कि देखिए कितने एडिक्ट हो चुके हैं कई सारे बुरी आदतों में। कुछ लोग गुटखा कहने का आते हैं, उनसे वो छुटकारा नहीं, अगर नहीं कहेंगे तो हाथ पैर क्या होते रहेगा, खामते रहेगा और पसीना निकलते रहता है। कई सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के बुरे आदतों में फंसे हुए हैं। वैसे आप क्या कर दिया, आज जवान लोग आज पबजी में आप लोग जिंदगी बिताते हुए, पबजी भी एक भयानक शैतान ने आविष्कार किया हुआ एक गेम है। आप जब तक उस गेम को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप लोग शैतान के हाथों में फंस जाएंगे। शैतान का वो प्लान है आपको उस पापों में फंसाकर परमेश्वर को आप समय नहीं देना चाहिए, शैतान के कामों में ही लगे रहना चाहिए। वो शैतान का प्लान है, आप लोग बदल जाना चाहिए, आप लोग सुधरना चाहिए, आप लोग सारे पापों से बाहर आना चाहिए। आप विचार से बाहर आ जाओ, आप बुरे आदतों से बाहर आ जाओ, और पियकड़न से बाहर आ जाओ, आप कहीं नहीं गुटखा गंदा उस सारे गंदे चीजों से बाहर आ जाओ। आज अपने जीवन में गलत काम करते हुए आप सोच रहे हो कि मैं अबॉर्शन कर लूंगा, वो बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य से बच सकते हो आप लोग, डॉक्टर को देकर 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 देकर अबॉर्शन कर सकते हो जवान लोग, लेकिन परमेश्वर तुम्हें एक दिन पूछने वाले हैं। परमेश्वर ने बनाए उस बच्चे को आप गिराने के लिए कोई भी आपको जिम्मेदारी नहीं है। मनुष्य ने एक बाल को काला नहीं कर सकता, उजला नहीं कर सकता है, परमेश्वर ने दिव्य उस गर्भफल को आप गिराने के लिए या उसको नाश करने के लिए आपको कोई भी इजाजत नहीं है। ये संसार का कोई भी कानून उसको परमिशन दे सकता है, लेकिन परमेश्वर उसको परमिशन नहीं देंगे। कितने जवान लोग यही सोच रहे हैं ना, हम गलत करेंगे, गलत करके गलत के द्वारा ये आने वाली स्थिति को क्या करें, पैसे के द्वारा उसको क्या करें, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। आप गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं आप लोग, सरकार से कानून से बच जाएंगे, परमेश्वर से बच नहीं पाएंगे आप लोग। जवान लोग, मेरा आवाज सुनने वाले सभी लोग याद रखना, वो टेररिज्म करते हुए कई सारे देशों को नाश कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को नाश कर रहे हैं, है ना। आप सही रहने करके अपने लोगों को नाश कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर टेररिज्म है, आप भी एक टेररिज्म के द्वारा क्या कर रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। आप सोच कर समझ लेना, ऐसे कई सारे चीज है, उसमें से एक पबजी गेम है। आप बाहर आना जरूरत है, आप पबजी से बाहर आ जाओ, वो परमेश्वर का काम नहीं, वो शैतान का काम है। जो भी पबजी के अंदर अपने जिंदगी को बिता रहे हैं वो शैतान का गुलाम हो चुका होकर जिंदगी बिता रहा है। मैं आपको परमेश्वर के बातों के द्वारा यही आपको मैं चेतावनी देता हूं, यही आपको मैं समझाना चाहता हूं। वो शैतान का सोच है, वो शैतान का बुद्धि है, वो शैतान का मास्टर प्लान है। सारे जवानों को आज क्या कर दे फंसा लिया है, कई सारे लोगों को नींद नहीं, कई सारे लोगों के शरीर में अच्छा स्वस्थ नहीं, बहुत टेंशन है। अगर एक दिन पबजी नहीं खेलेंगे, परिवार के साथ वो लोग प्रेम से नहीं बात करेंगे, परिवार के साथ शांति से बैठकर बात नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे, यानी कि पूरे जो मेंटालिटी है उस गेम में फंसा हुआ है। आपको पता है उस गेम आपको कितना अपने जिंदगी को खा रहा है करके। आपको मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, आपको समझना पड़ेगा। दूसरा पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा हुआ दूसरा पत्र उसका 4:14 में, और उन अविश्वासियों के लिए, आप अगर विश्वासी है तो परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा, अगर आप परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहते हो तो आप अविश्वासी है। अविश्वासियों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बहुत बड़ा दंड देने वाले हैं। इस संसार में भी आपको दंड होगा, परमेश्वर को छोड़कर जी नहीं पाएंगे आप लोग, और आने वाले जीवन में भी आपको बहुत बड़े लुक्सान परमेश्वर देने वाले हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इस संसार का भी एक देवता है, जिस देवता ने परमेश्वर के सिंहासन को चाहा, जिस देवता यानी कि उससे जिस शैतान ने परमेश्वर के सिंहासन को चाहा,
उस शैतान ने परमेश्वर के उस जगह को कहा, चाहा उसने, यहां पर वो बैठना चाहता था। परमेश्वर का सिंहासन अपने दिल है, यहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। वह शैतान परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में पाना चाहा, लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उसको ढकेल दिए। वो सोचा कि मैं सबका ईश्वर बनना चाहिए, उसका सोच में यही था। लेकिन यहां पर वो ईश्वर बन के बैठ गया है। यहां पर सारे मनुष्य के जीवन में शैतान आज ईश्वर बन के बैठ गया है, और उस संसार में वो खुद ईश्वर कहलाने वाला जो शैतान है उसका गुलाम होकर आप जिंदगी बिता रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिए है, तुम्हारे बुद्धि को इस संसार का ईश्वर अंधा कर दिया है। अरे चलो टेररिज्म कर सकते हो, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग व्यभिचार कर सकते हैं, अरे चलो हम लोग कोई व्यभिचार के द्वारा पैदा होने वाले बच्चों को हम गिरा सकते हैं। किस प्रकार का पाप आपकी जिंदगी में बिता रहे हैं? आज चलो हम लोग आए क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे द्वारा कई सारे जवान लोग बर्बाद हो रहे हैं। प्रियो, दुनिया में कई सारे ऐसे चीज है जो आपको जरूरी नहीं है। पबजी के द्वारा जिंदगी नहीं, कई सारे लोग खाना छोड़कर पबजी में ही लगे रहते हैं। क्या हो गया आज, यानी कि हर देश क्या हो रहा है आज, एक ना एक समस्या में फंसा हुआ है। देख कुछ चीजों को मैं बता दिया, एक अमेरिका बता दिया, और मैंने कुछ नामों को बता दिया, उनमें से कुछ पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब कंट्री में हो गया, कई सारे लोग जो है ना, केवल वहां पर नहीं कई सारे देशों में, और कुछ नाम ले लिया, नीदरलैंड ले लिया, व्यभिचार का देश, और चीना देश ले लिया मैंने। कितने देखिए हर देश क्या कर रहे हैं, एक बहुत भयानक प्रवाह में क्या कर रहे हैं, जवानों को नाश करने में वो लगे हुए हैं। जवान लोग, क्या आप लोग तैयार नहीं होंगे? इस संसार के ईश्वर ने आपका बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधा करके रख दिया है। बाइबल बताता है कि ताकि मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की बात है, तुम्हारे दिल में काम नहीं करना है, इसलिए तुम्हारा बुद्धि को क्या कर दिया, वो अंधा कर डाला है। ये सारे संसार को बीच में लाके परमेश्वर का ज्ञान को आपके पास पहुंचाने नहीं दे रहे। परमेश्वर का सुसमाचार आपके पास पहुंच जाता है, फिर भी आप लोग परमेश्वर को उस बातों को अपनाना नहीं अपना रहे। कारण क्या है? आपका बुद्धि को शैतान अंधा कर डाला है। रोशनी में आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, अपने जीवन को बदलिए। प्रभु आपका आशीष करें। फिर से मिलेंगे, सभी को जय मसीह।